हेलो दोस्तों, आज मैं बात करूंगा ई रूपी के बारे में। हाल ही में पीएम मोदी ने सोमवार को इलेक्ट्रॉनिक वाउचर पर आधारित एक डिजिटल पेमेंट सिस्टम ई रूपी लॉन्च किया है। यह देश की अपनी डिजिटल करेंसी के रूप में भारत का पहला कदम है। केंद्र सरकार केंद्रीय बैंक आरबीआई की डिजिटल करेंसी लाने की योजना पर काम कर रही है और ई रूपी की लॉन्चिंग से देश में डिजिटल पेमेंट इंफ्रा में डिजिटल करेंसी को लेकर कितनी क्षमता है इसका आकलन किया जा सकेगा। इस समय जिस रुपए को हम सभी लेन देन के लिए इस्तेमाल करते हैं वह ई रूपी के लिए अंडरलाइंग एसेट का काम करेगा। ई रूपी की जो विशेषताएं हैं वह इसे वर्चुअल करेंसी से भिन्न बनाती है और यह एक तरह का वाउचर आधारित पेमेंट सिस्टम की तरह है। तो आइए दोस्तों, इस बारे में आपको विस्तार से बताता हूं, साथ ही यह भी बताऊंगा कि ई रूपी क्या है और इसकी क्या विशेषता होगी और ई रूपी लॉन्च करने पर मेन उद्देश्य क्या है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ट्रेनिंग इंडिया पर। पीएम मोदी ने सोमवार को इलेक्ट्रॉनिक वाउचर पर आधारित एक डिजिटल पेमेंट सिस्टम ई रूपी लॉन्च किया है। यह देश की अपनी डिजिटल करेंसी के रूप में भारत का पहला कदम है। ई रूपी एक कैशलेस और डिजिटल पेमेंट सिस्टम मीडियम है जो SMS स्ट्रिंग या एक QR कोड के रूप में बेनिफिशियरीज को प्राप्त होगा। यह एक तरह से गिफ्ट वाउचर के समान होगा जिसे बिना किसी क्रेडिट या डेबिट कार्ड या मोबाइल ऐप या इंटरनेट बैंकिंग के खास एक्सेप्टिंग सेंटर पर रिडीम कराया जा सकता है। पीएम मोदी ने लॉन्च के मौके पर कहा कि ई रूपी वाउचर देश में डिजिटल ट्रांजेक्शन और DBT को बढ़ावा देने में भूमिका निभाएगा। इससे सभी लोगों को टारगेटेड, पारदर्शी और लीकेज फ्री डिलीवरी में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि ई रूपी इसका उदाहरण है कि भारत कैसे आगे बढ़ रहा है और 21वीं सदी में एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से लोगों को जोड़ रहा है। मोदी ने कहा कि वे खुश हैं कि यह इस साल में शुरू हुआ है जब भारत अपनी आज़ादी का 75वां साल का जश्न मना रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि केवल सरकार नहीं बल्कि अगर कोई गैर सरकारी संस्था किसी को उसकी शिक्षा या मेडिकल इलाज में मदद करना चाहती है तो वे कैश देने की जगह ई रूपी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे यह सुनिश्चित होगा कि दान दी गई राशि को केवल बताए गए काम के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इस प्लेटफॉर्म को नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि NPCI, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने लॉन्च किया है। यह सिस्टम पर्सन स्पेसिफिक और पर्पज स्पेसिफिक होगा। ई रूपी के जरिए बिना किसी फिजिकल इंटरफेस के सर्विसेज उपलब्ध कराने वाले को बेनिफिशियरीज व सर्विसेज प्रोवाइडर्स के साथ कनेक्ट कराया जा सकेगा। इस तरह इशू होंगे वाउचर्स। इस सिस्टम को NPCI ने अपने UPI प्लेटफॉर्म पर बनाया है और सभी बैंक ई रूपी जारी करने वाले एंटिटी होंगे, यानी बैंक इसे जारी करेंगे किसी भी कॉरपोरेट या सरकारी एजेंसी को स्पेसिफिक पर्संस और किस उद्देश्य के साथ भुगतान किया जाना है इसे लेकर सहयोगी सरकारी या निजी बैंक से संपर्क करना होगा। बेनिफिशियरीज की पहचान मोबाइल नंबर के जरिए होगी और सर्विस प्रोवाइडर को बैंक एक वाउचर आवंटित करेगा जो किसी खास शख्स के नाम पर होगा जो सिर्फ उसी शख्स को डिलीवर होगा। आइए अब हम जान लेते हैं कि यूरोपी के क्या क्या फायदे हैं। अमेरिका में एजुकेशन वाउचर्स या स्कूल वाउचर्स का एक सिस्टम है जिसके जरिए सरकार स्टूडेंट की पढ़ाई के लिए भुगतान करती है। यह सब्सिडी सीधे माता पिता को अपने बच्चे को शिक्षित कराने के लिए विशेष उद्देश्य से दिया जाता है। अमेरिका के अलावा स्कूल वाउचर सिस्टम को कोलंबिया, चिली, स्वीडन और हांगकांग जैसे देशों में भी है। सरकार के मुताबिक ई रूपी के जरिए कल्याणकारी योजनाओं को बिना किसी लीकेज के डिलीवरी किया जा सकेगा। इसका इस्तेमाल मदर एंड चाइल्ड वेलफेयर स्कीम्स, टीबी उन्मूलन कार्यक्रम, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत दवाइयां और खाद सब्सिडी इत्यादि योजनाओं के तहत सर्विस उपलब्ध कराने के लिए भी किया जा सकेगा। सरकार के मुताबिक निजी सेक्टर भी अपने एम्प्लॉय वेलफेयर व कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोग्राम के तहत इन डिजिटल वाउचर्स का उपयोग कर सकती है। साथ ही साथ आपको बता दें कि ई रूपी एक ऐसी व्यवस्था होगी जिसमें किसी योजना का लाभ पाने और सर्विस प्रोवाइडर के बीच कोई और मध्यस्थ नहीं होगा, क्योंकि सरकार की ओर से वाउचर देने वाले की तरफ से ये सीधे लाभार्थी के मोबाइल पर भेजा जाएगा। ये एक कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस डिजिटल पेमेंट माध्यम है। इसके जरिए सीधे लाभार्थी के मोबाइल पर ई वाउचर भेजा जाएगा। QR कोड या SMS स्ट्रिंग पर आधारित ई वाउचर के जरिए लाभार्थी तक उसके हक का पैसा पहुंचाया जाएगा। खास बात यह है कि ई वाउचर से भुगतान के लिए कार्ड, डिजिटल पेमेंट ऐप की जरूरत नहीं होगी, ना ही ऑनलाइन बैंकिंग की जरूरत रहेगी। इसके जरिए ट्रांजेक्शन यानी लेन देन पूरा होने के बाद ही सर्विस प्रोवाइडर को पेमेंट होगा।
यानी जब तक वाउचर आपके मोबाइल में है वो आपका है, उसके लिए एक तय अवधि होगी। ई रूपी प्रीपेड रकम है, इसमें पेमेंट में देरी संभव नहीं। बस ये वाउचर के रूप में है जो वाउचर देने वाले लाभार्थी तक पहुंचाता है। ई रूपी के जरिए बिना किसी मध्यस्थ के पेमेंट होना तय है, यानी सर्विस प्रोवाइडर के लिए भी इसमें फायदा है। उसे यह शिकायत नहीं रहेगी कि उसने लाभार्थी को सेवा दे दी लेकिन उसका पेमेंट होने में देरी हो रही है। ई रूपी पेमेंट हो जाने की गारंटी है। विभिन्न कल्याणकारी सेवाओं की लीक प्रूफ डिलीवरी सुनिश्चित करता है। यह एक QR कोड या SMS स्ट्रिंग आधारित ई वाउचर है जो लाभार्थियों के मोबाइल पर पहुंचाया जाता है। ई रूपी सेवाओं के प्रयोजकों को बिना किसी भौतिक इंटरफेस के डिजिटल तरीके से लाभार्थियों और सेवा प्रदाताओं के साथ जोड़ता है। यह भी सुनिश्चित करता है कि लेन देन पूरा होने के बाद ही सेवा प्रदाता को भुगतान किया जाए। प्रीपेड प्रकृति के होने के कारण यह सेवा प्रदाता को बिना किसी मध्यस्थ की भागीदारी के समय पर भुगतान का आश्वासन देता है। नियमित भुगतान के अलावा इसका उपयोग आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, उर्वरक सब्सिडी जैसी योजनाओं के तहत, मातृत्व और बाल कल्याण योजनाओं, TB उन्मूलन कार्यक्रमों, दवाओं और निदान जैसी योजनाओं के तहत सेवाओं के लिए भी किया जा सकता है। इन डिजिटल वाउचर का उपयोग निजी क्षेत्र द्वारा अपने कर्मचारी कल्याण और कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी कार्यक्रमों के लिए भी किया जा सकता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारा YouTube चैनल ट्रेंडिंग इंडिया को सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।